Admiral D.K. Joshiji, Honorable Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Deep Samo, Sri Kuldeep Rai Sharma, Honorable Member of Parliament, Sri Chetan B. Sanghi, Mukhya Sachiv, Andaman and Nicobar Deep Samo, Sri Subir Chandar, Adyaksha Jila Parishad South Andaman, Sri N.K. Uday Kumar, Chairperson Jila Parishad, Port Blair Municipal Council, councillors, senior officers of the administration, behno aur bhaiyo, yahan pahunchne ke saath hi anek samvedanaon krutagnya bhav se abhibhut hua hoon. मैं दो साल के पहले यहाँ आ चुका हूँ. उपराष्ट्रपति के नाते मेरा दूसरा पर्यटन है अंडमान निकोबार के. अंडमान निकोबार देश का भौगोलिक दृष्टि से, सुरक्षा का दृष्टि से, सौंदर्य के दृष्टि से, पर्यटन का दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण द्वीप समूह है. परिशिष्ट स्मृतियों ने मुझे घेर रखा है. सहज की एक भावनात्मक निकटता का अनुभव कर रहा हूँ. अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रकृति के अक्षुण्ण विहंगम सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त है. यू हैव बीन फॉर्चुनेट दैट द नेचर इज वेरी ब्यूटिफुल हियर इन दिस आइलैंड्स. ये द्वीप हमारा स्वाधीनता आंदोलन की स्मृतियों से निकटता से जुड़े हैं. दिस आइलैंड्स आल्सो आर कनेक्टेड विद आवर फ्रीडम स्ट्रगल. इस ऐतिहासिक महत्व के कारण ये द्वीप आदरणीय भी है और प्रेरणा के स्रोत भी है. विजिट टू दिस अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज वेरी इंस्पायरिंग. दैट्स व्हाई पीपल व्हेन दे कम हियर दे फील वेरी हैप्पी. दे गेट इंस्पिरेशन by visiting these islands and more particularly the cellular jail. कल मुझे राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल के दर्शन करने का सुयोग प्राप्त हुआ. एक अलग ही अनुभव था. ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं किसी पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा कर रहा था. जेल और उसके कमरे हमें उस भयाव अवमाननीय अमानवीय क्रूरता की याद दिलाते हैं जो वीर सावरकर सहित हमारे अन्य क्रांतिवीरों ने वर्षों तक वस्तुतः में झेली है. दिस विजिट टू दिस जेल इज नॉट ओनली इंस्पिरेशनल बट यू बिकम इमोशनल एंड यू फील दैट द ग्रेट सैक्रिफाइसेस मेड बाय अवर ग्रेट सन्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री यू आर revisiting them to get the inspiration and also pay tribute to those great souls. वह अमानवीय क्रूरता भी उनके अदम्य साहस और देशभक्ति को न तोड़ सकी. भारत माँ के इस वीर पुत्रों ने अपने प्रिय परिजनों से मीलों दूर इन ही द्वीपों पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. अपने प्राण त्याग और उनके बलिदानों से आजादी का सूर्योदय हुआ. मातृभूमि पर स्वराज्य की स्थापना हुई है. दिस इज द प्लेस वेयर दिस ग्रेट पीपल हु हैव बीन सेंट अवे फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस अवे फ्रॉम देयर पीपल दे हैव टू स्पेंड हियर इयर्स इन दिस जेल टू मीट ए क्रूयल ट्रीटमेंट टॉर्चर अगोनी फॉर नॉट. उन कमरों में जहां वीर सावरकर बाबा बान सिंह महावीर सिंह भाई परमानंद जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने कितने ही वर्ष गुजारे सिल्वर जेल का हर कोना क्रांतिकारियों की प्रेरणादायक गाथाओं से गूंजता है. एवरी सेल एवरी कॉर्नर इन द जेल टेक यू टू द मेमोरीज ऑफ द ग्रेट सैक्रिफाइसेस एंड सफरिंग्स मेड बाय दोस ग्रेट पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर सेक ऑफ कंट्री. The story of prison life at Cellular Jail, as described by Swatantra Veer Damodar Savarkar,
I quote, "Who can describe the suffering, these agonies of mind and body? I may give you an instance, however, to point the moral of all the hardship of prison life in the Sinhala jail of the Andamans, grueling work, scanty food and clothing, occasional thrashing and others, none was so annoying and disgusting as its provisions for urinals and lavatories. The prisoners had to control the demands of the nature for hours together. In the night, if you have to go to toilet, there is no problem. They are given a small bottle. And you have to spend the entire night along with the stools and other natural calls one has to address. Because there was no arrangement in the cell for this. Morning, noon, evening, these were the only hours when the prisoners were left off for this purpose. And at stated time only, it was an outrage to ask the Jamadar for his convenience at any other moment than the stipulated hour. The prisoners were locked in their cells at 6 or 7 o'clock in the evening, and the locks were opened only after 6 in the next morning. A sort of clay pot was given to them to use it for that purpose during the night. The pot was so diminutive in size that one could not discharge into it even once during the night. As for nature's call, one had to go down on his knees to the Jamadar to let him out. In the morning, Mr. Berry would sit in judgment, the jailer, upon it, rebuke and sternly warn the warder and the Jamadar for their lapse of duty. When he braved by this fashion, there were no answering to him. The prisoner was also cross-examined by Mr. Berry, but Mr. Berry's particular kindness to the prisoner always ended in an order to put him immediately on the oil mill. This is an extract from the autobiography of Vinayak Damodar Savarkar. I also suggest the life and stories of not only Veer Savarkarji and other heroes of freedom struggle from different parts of the country should be included in school textbooks, so that the younger generation, they get the needed inspiration. They know the stories of horror, the sacrifice made by our readers for the sake of the country. Around 690 prisoners from Bengal, from Punjab, from Maharashtra, from southern states of Tamil Nadu and Kerala, and also Karnataka and Andhra Pradesh, and also from various parts of the country. They were all brought here, hundreds of miles away, where there is no scope to escape, no hope, no ray of hope even to escape. Think of going back in this Kala Pani, the black water seas, and kept in solitary confinement. Solitary confinement. The 7 blocks there, one cannot see the other. And the irony was that Veer Savarkar's brother, Ganesh, Bhavara Sarkar, he was also there in the same jail, but the brothers do not know. Never they had an occasion to see each other. Horrible. The historical stories and also the role of the cellular jail in Andaman in the freedom movement should also form a part of history book textbooks. And I feel that all the youngsters of the country, particularly the children, once in their lifetime, must visit Andaman Nicobar and see this cellular jail. मेरा अनुरोध है, सुझाव है केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकारों को, पूरा देश भर में छात्र युवाओं को युवतियों को एक बार यहां तक भेजना और ये जेल का संदर्शन करके स्फूर्ति देने का अवसर उनको मिलेगा. बिकॉज द नीड ऑफ द आवर इज नेशनल फीलिंग. इवन 70 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन अवर कंट्री, अनफॉर्चुनेटली देर आर सर्टन एरियाज वेर देर आर डिविजिव टेंडेंसी. And certain people are developing negative mindset and following obstruction, destruction, leaving construction. We need to go back that we are a free country, and this freedom we got by so many sacrifices made by so many people across the country in different places. There are different places.
You have great stories of Veerapandiya Kattabomma, Pasumpan Muthuramalinga Theva, V.O. Subramanya, V.O. Chidambaram Pillai, Subramanya Bharati. There are many great Allur Sitarama Raju of Andhra Pradesh, Jhansi Lakshmi Bai, and many people, Bhagat Singh, Rajguru, Sukadev. All these stories, if you go through them, it will be inspiring. So it is the duty of the government, one, to bring them elaborately into the textbooks, and also to make our children and also citizens visit Andaman, visit Sildar Jail, visit Swaraj Deep, visit other places, and also visit across the country the heroic places and birthplaces of various heroes who are instrumental in getting us freedom. This is very, very important. My Bharat ke hara yuvase, har yuvase agrah karunga ki ve apne jeevan mein kam se kam ek baar is teerth, is jail ka darshan avashya kare. Ye mera deshvasiyon se nivedan. I also would like to call all the members of parliament. My Rajya Sabha ka chairman ho. Main chahta hu hamara sansad sadasya bhi lok sabha aur rajya sabha sadasya bhi apna कार्यकाल में एक बार अंडमान निकोबार आवे और ये महान भाव ने जिस तरह का उनका वेदना उनका टॉर्चर क्रूर हिंसा वह उसको देखे तो अच्छा होगा. सेम इज द केस विथ रिगार्ड टू रजिस्ट्रेटर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. दिस इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग. साथ ही सिल्वर जेल के इतिहास और वीर सावरकर का जीवन चरित्र को स्कूलों को पाठ्यक्रम से में शामिल किया जाना चाहिए ताकि हमारा आने वाले पीढ़ियां देशभक्ति का प्रेरणा ले सके. यही पोर्ट ब्लेयर में 1943 में श्री सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा उनकी आजाद हिंद फौज ने आजादी का झंडा फहराया तथा इन द्वीपों को ब्रिटिश सत्ता से आजादा पहला भारतीय प्रांत होने की घोषणा की. This is the first island which was made, declared independent by Subhash Chandra Bose. Netaji ka ahvan par Andaman ke saikdo veero ne desh ki azadi ke liye apna pranon ki baji laga di. Bharat swadhinata andolan mein Andaman Nicobar ki aitihasik bhumika sadaiv ek swarnim adhyay rahegi aur desh ki nagariko विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक प्रयास करने की प्रेरणा देगी. एक ऐसा राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देगी जिससे भारत विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके. वंस अपॉन अ टाइम इंडिया वाज नोन एज विश्व गुरु. वी वर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज. नाउ द टाइम हैज कम दैट वी मूव इन द डायरेक्शन अगेन एंड ट्राई टू मेक इंडिया स्टेबल सेफ सिक्योर बाय कंट्रीब्यूटिंग अवर ओन way for the country's unity, integrity, safety and security. That is the duty of all citizens, all of us. Priya behno aur bhaiyo, Bharat vividhataon se bara desh hai. Hum har vishwas ka aadar karte hai, vividhata mein ekata Bharat ka visheshata. Alag bhasha, alag vesh, phir bhi apna ek desh. We are different, we speak different languages. Telugu, Tamil, Kannada, Malayali, Marathi, Assami, Punjabi, Bengali, Bhojpuri, Kashmiri, Dogri, so many. But and we wear different dresses. But we are all one. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. That feeling has to be there among all people. ये द्वीप विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर शांतिपूर्ण सौहार्द पूर्व सह अस्तित्व का अद्भुत दीप्यमान उदाहरण है. अपने भौगोलिक स्थिति के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. मैं यहाँ पर तैनात हमारी सेना के सैनिकों और अधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ कि वे समर्पण और संकल्प के साथ देश के हितों का संरक्षण कर रहा है. वी सैल्यूट द जवान व्हिच आवर विंग दे आर वर्किंग बिकॉज दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर पर्सनल लाइफ फॉर द सेक ऑफ द कंट्रीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ये हर्ष का विषय है कि अनेक सीमाओं और कठिनाइयों के बावजूद
अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मुझे यह बताया गया कि स्वास्थ्य के अनेक मानदंडों पर द्वीप समूह का औसत राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। अपने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। मुझे यह भी बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक मानदंडों पर आपके औसत राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। मुझे खुशी है कि अपने 150 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं उपलब्ध कराया है तथा स्थानीय प्रशासन द्वीप समूह के लिए एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहा है। सबका साथ सबका विकास आदर्श के अनुरूप सरकार ने 2017 में आयरन डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य द्वीपों का चतुर्थिक संपूर्ण विकास करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह औद्योगिक विकास योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत सरकार पर्यावरण सम्मत उद्यमों और व्यवसायों का लगाने के लिए उद्यमियों को आर्थिक सहायता तथा छूट प्रदान करती है। अनुमान है कि इस योजना के तहत यहाँ अनेक उद्योग स्थापित किया जाएंगे जो स्थानीय युवाओं का रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। यहाँ की प्राकृतिक संपदा और विविधता के संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम सतत स्थायी और पर्यावरण सम्मत विकास की अवधारणा को विकसित करें, ऐसी प्रोत्साहित करें। हमें विकास करना है पर साथ ही पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण भी करना बहुत जरूरी है। नेचर कल्चर टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर, लव एंड लिव विद द नेचर। प्रकृति के साथ जीना है, प्रकृति का रक्षा करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ नेचर कल्चर टुगेदर फॉर बेटर फ्यूचर, ये बहुत जरूरी है। एवरी यंगस्टर एवरी सिटीजन मस्ट सी टू इट दैट दे ऑल रेस्पेक्ट द नेचर, द ट्रीज, द एयर, द वॉटर, द सन, द मून, ऑल दिस लैंड, द ब्यूटीज ऑफ नेचर, वी मस्ट सी टू इट वी प्रोटेक्ट देम, वी रेस्पेक्ट देम एंड वी सी टू इट दैट वी टेक देम अलोंग विद अस। हमारी वैदिक परंपरा में मानव और प्रकृति के बीच अटूट संबंध का महत्व बताया गया है। हमारी पारंपरिक जीवन शैली पर्यावरण सम्मत जीवन शैली है। वैदिक अवधारणा में धरती को माँ और सभी जीवों का उसकी संतान माना गया है। रामायण महाभारत वेद उपनिषदों भगवद गीता और पुराणों में पर्यावरण संतुलन की आवश्यकता बताया गया है। That's why we must take inspiration from these epics and see to it that we all respect the nature. The Andaman Nicobar Islands feature among the biodiversity hotspots of the world. They harbor rich terrestrial as well as marine ecosystems, including mangroves, seagrass beds, and coral reefs. This natural beauty makes Andaman Nicobar Island a very popular tourist destination. But we must ensure that the influx of tourists does not endanger the fragile ecosystem and rare flora and fauna of the region. Towards this end, I am happy to have inaugurated today the Nature Park Interpretation Center in Port Blair today. This will serve as an important center for recreation and education, showcasing the richness of biodiversity of these islands. The Nature Park and Interpretation Center is displaying native trees, palms, orchids, ferns, medicinal plants, aquatic plants and butterflies for the benefit of visitors. When I just inaugurated, number of butterflies started flying. It's a beautiful scene to see. It is interesting to note that more than 300 species of butterflies are found in Andaman and Nicobar Islands, of which 207 species are endemic to these islands. The walk-in butterfly conservatory in the National Interpretation Center could not just increase the joy of visitors but also create greater awareness among public about the ecological importance and the life cycle of these beautiful insects. I'm happy that the Nature Park and Interpretation Center also houses a fitness cum yoga center. Yoga is very much necessary for all the youngsters, for everybody for that matter, because fitness is required. That's why PM has given a call of Fitness India. We must try to keep fit
physically and mentally. That's why our ancestors have given that yoga. We just forgot, and the Prime Minister was kind enough to start it and take it to United Nations. Now more than 172 countries are now practicing yoga. It's a very, very good initiative taken by the Prime Minister. But all of us should have yoga. Not because of Modi. Yoga is for your body. You have to understand that. Yoga aapko yogya banayenge. Sharirik drishti se aur manasik drishti se. Our physical exercise is required for every individual. My dear youngsters, I am 70 years old now. 70. I play badminton every day of 1 hour. Even in Port Blair morning, I went to your stadium and played badminton. To keep myself fit, so that I can spend more time in the service of the nation. Two things are important. One, love and live with the nature. Second, don't have sedentary lifestyle. Be physically fit and eat proper food. Don't worry, I am not giving you any food code. You can eat whatever food you want. And you have beautiful food. But eat cooked food, proper cooked food. Protein food. Unfortunately, some of our children are eating junk food. Junk. Pizza, burger. And people say, sir, it's instant food. Instant food means constant disease. You have to understand. Food has to be cooked properly. And in India, we have thousands of years of items. And even here also, in Andaman Nicobar, you have varieties of food. Because you have people from different parts of the country. When you have so much, why do you try to follow Western food? Western food may be good for Western people. But for us, we need to eat our food, which is decided by our forefathers. Our purojo ne hazaron saal tak jiya aur diya virasat mein humko. Usi khana hamare liye achha hai, swasth ke liye behtar hai. Bachcho ko restaurant mein le jate, advertisement ke karan se chicken 65. आपका उम्र 25 भी नहीं है, आप 65 माना जाए. ये टैक्टिक्स है, प्रोपेगेंडा है, टीवी और एडवर्टाइजमेंट सिनेमा के कारण से. क्या है चिकन मंचूरिया? अरे भाई, हमारे देश में हिमालय है, मंचूरिया को क्यों जाना? मंचूरिया बल्गेरिया सोमालिया वहां तक क्यों जाना? दिस यू हैव ब्यूटीफुल टेस्टी फूड. Various states in our country has got various items. Rich food. So, good food, good habits, good exercise, and then good practice of keeping in touch with the nature. These are my suggestions to all the youngsters for a better future. India has got 65% of the population below 35 years. 50% of the population is below 25 years. If you work hard, this soil, this land, this air, this water of India has got something special. You have knowledgeable people. So, with the youngsters, if their skills are recognized and skills are upgraded, they can become very good. If you, IT, now we are progressing in IT. IT is very beauty. And IT and beauty combined together, you can become mighty in the coming days. Yes. Andaman Nicobar, you are going to have Arctic formal line laid. Once it is completed, you will have digital, everything digital. I am happy that online approvals, the municipal chairman was talking about it. I suggest that everything in the country in future must go online so that there is no need to stand in line. लाइन में खड़े होना, किसी के पास जाके मिलना, शेकिंग हैंड, डूइंग समथिंग बिटवीन हैंड, ऐसा कोई जरूर है. यू अप्लाई एंड यू गेट रिप्लाई ऑटोमेटिक, डीम टू हैव बीन रिप्लाई. ये पद्धति होना बहुत जरूरी है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्कॉलरशिप, कॉम्पेंसेशन, पेंशन, इंश्योरेंस, एनी एंटरटेनमेंट ऑफ सिटीजन मस्ट रीच हिम थ्रू बैंक, थ्रू मोबाइल. DBT, Aadhaar, only one evidence, and then mobile, and then money should come to you.
You need not go to taluk office, revenue office, register office, municipal office, go around, meet and greet people and do something else. There is no need for that. That is the way forward. I'm happy you are moving digital. Once that online is a digital optic fiber line is laid, it can do wonders for the island. I'm happy with the municipal corporation and also the administration is moving in that direction. The मुझे हर्ष है कि आज हमने एसी बसों और इलेक्ट्रिक वाहनों की फ्लैग ऑफ किया है. अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा लिया गया यह अभिनंदनीय कदम है जो लोगों को आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पर्यावरण सम्मत परिवहन के साधन उपलब्ध कराएंगे. दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आई कॉम्प्लीमेंट द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव. इलेक्ट्रिकल बसेस विल रिड्यूस पॉल्यूशन. If you have pollution, you will have tension. If you have tension, you cannot pay attention to anything. So it's better to reduce pollution. And also, instead of everyone having a car, आजकल ऐसा हो रहा है बच्चों के पास कार है, parents के पास कार है, सबके लिए कार है, सभी कार सड़क के ऊपर आएगा, फिर congestion. Congestion means tension. Tension means no attention. So we have to go for public transport. धीरे धीरे हम public transport के ओर जाना है. मैं जब शहरी विकास मंत्री था उस समय हमने स्मार्ट सिटी में एक भाग public transport, metro, suburban rails, because it will carry hundreds and thousands of people, reduce vehicular traffic. I'm happy even this island, this initiative is taken today. मुझे खुशी है कि 1 जनवरी 2019 से दीपों की किरोसिन मुक्त कर दिया गया है तथा 90% से अधिक जनसंख्या ईंधन के लिए एलपीजी का प्रयोग कर रही है. दीपों पर एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग सर्वथा निषिद्ध है. महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों पर वाटर एटीएम स्थापित किया गया है. अगले 3 महीनों में 25 और वाटर एटीएम काम करने लगेंगे ऐसा मुझे बताया, जिससे पानी के प्लास्टिक की बॉटल से छुटकारा मिलेगा. यह विशेष अभिनंदन है कि अपने स्वच्छ भारत अभियान को संपूर्णता से अपनाया. आज द्वीपों ने ओडीएफ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. पोर्ट ब्लेयर ओडीएफ फ्री शहर है. यहाँ तक कि ग्रामीण इलाका भी ओडीएफ प्लस स्तर पहुंच रहा है. अभी बता रहे थे आने वाले दिनों में लक्ष्य ओडीएफ प्लस 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 ऑलवेज प्लस 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 ही होना चाहिए. इन उपलब्धियों के लिए मैं स्थानीय प्रशासन का अभिनंदन करता हूँ तथा अन्य प्रदेश और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अपेक्षा करता हूँ कि आपकी उपलब्धियों से वो प्रेरणा ले. दैट एवरीवन अक्रॉस द कंट्री टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ पोर्ट ब्लेयर टेकिंग दिस इनिशिएटिव. जो हर्ष का विषय है कि अब स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों का अपना रहा है. वर्तमान में 2.5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है तथा मार्च 2020 तक अतिरिक्त 24 मेगावाट क्षमता को जोड़ा जाएगा. यू हैव लॉट ऑफ स्कोप ऑफ सोलर पावर. दैट शुड बी द फ्यूचर. एवरी हाउस मस्ट हैव सोलर. एवरी हाउस मस्ट हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल वाटर. दैट शुड बी द फ्यूचर. My dear sisters and brothers, under the leadership of our Prime Minister Narendra Bhai Modi, India is emerging as a leader in the field of green energy and in the fight against climate change. We have set ambitious target of deploying 175 gigawatts of renewable power by 2022. This target is now further raised to 225 gigawatts of renewable energy capacity, considering that we are well on our way to exceeding the previous target. Taking the leadership position of the international stage, Prime Minister Narendra Bhai Modi and former French President Mr. Francois Hollande launched the International Solar Alliance in 2015, playing a very important role in fighting the climate change. PM's vision, one world, one sun, one grid. Our islands are the most vulnerable areas as far as the impact of climate change is concerned. Today, we see the increased frequency of floods, cyclones, wildfires and hurricanes disrupting life on an almost regular basis.
The recent bushfires in Australia are a grim reminder of what will happen if we do not respect nature in our pursuit of development. मुझे हर्ष है कि नीति आयोग इन द्वीपों को लिए चार बड़ी पर्यावरण सम्मत परियोजना की तैयारी और कर रहा है जो युवाओं का रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। मुझे खुशी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संपर्क बढ़ाने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। जून 2020 तक पोर्ट ब्लेयर तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सात अन्य द्वीप समुद्र के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा जिससे डिजिटल संपर्क में बड़ी सुगमता होगी। संचार की बेहतर सुविधा होने से द्वीपों पर सूचना प्रौद्योगिकी सहित लघु और मध्यम उद्योगों का स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी। उड़ान के तहत चार हवाई मार्ग चिह्नित किया गया है कि जिससे द्वीपों से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा। इस वर्ष से पोर्ट ब्लेयर से अंतरराष्ट्रीय उड़ाना भी प्रारंभ किया जाएगा। यू हैव इंटरनेशनल कनेक्शन आल्सो इन द नियर फ्यूचर फ्रॉम हियर। मुझे यह भी बताया गया है कि 2025 तक 30,000 करोड़ रुपयों की लागत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित है जो इन द्वीपों के जनजीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएंगी तथा जीवन को सरल और सुगम बनाएंगी। विद दिस अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी शीर रिचनेस ऑफ ट्रॉपिकल फौना एंड फ्लोरा एंड कॉम्प्लीमेंटेड बाई कल्चरल डाइवर्सिटी दीज आईलैंड आर ट्रूली आइडियलिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अंत में मुझे पारंपरिक बिजली मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का शुभारंभ करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। यह कदम गरीबों के हित में है। इससे उपभोक्ताओं का महीने का बिजली बिल एक बार में ही चुकाने का जरूरत नहीं रहेगी बल्कि वो अपने आवश्यकता के अनुसार किस्तों में बिजली पर खर्च कर सकता है। स्मार्ट मीटर से न केवल बिजली का बिल चुकाने में आसानी होगी बल्कि गलत बिलिंग का दुविधा से भी मुक्ति मिलेगी। बिलिंग सुधार और बकाया भुगतान से वितरण कंपनियों को भी लाभ होगा। स्मार्ट मीटर से बिलिंग में कागज की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इससे बहुत से वृक्ष कटने से बचेंगे और पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा। हमारा शास्त्र में कहा गया है दशकूप समावापी दशवापी नमो समो हृदय दश हृदय समो पुत्रो दश पुत्रो समो द्रुमहा। अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और एक पुत्र के बराबर एक वृक्ष होता है। 1 ट्री इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। दिस इज द रेस्पेक्ट वी गिव टू नेचर। आई एम कॉन्फिडेंट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन हियर अंडर द Admiral Joshi's leadership and the Admiral's Chief Secretary and others will do their best utilizing these various initiatives and also schemes that are offered by government. See to it that they all reach the common people. Mujhe bahut aasha hai ki today nature park, butterfly conservatory, orchidarium, single wood statue of mother and child in one single wood, something unique. I've been able to see it, and musical fountain, flagging of e-buses, photo gallery depicting the best practices of Port Blair Municipal Council, initiatives on 10% usage of plastic in all road construction, restoration of traditional Japanese wells under Jal Shakti Abhiyan. All these things I could see, and some of them I have launched also. Launching of smart meters. Smart city program. This was initiated when I was Minister for Urban Development. You are lagging behind. You must now catch up in the smart city. The vehicle surge treatment plant, marine esplanade, neighborhood parks, all this I have now launched it through our smart phone. I would like to see that all of them are completed at the earliest. Once again, my best greetings to all of you. Just now, Pongal is getting over, Sankranti, and in the coming days, we are going to have Republic Day. 23rd is the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose in January. My greetings to all of you on this happy occasion.
धन्यवाद थैंक यू वेरी मच नंदी वणक्कम